अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। रात के 2 बज रहे हैं और शहरी का टाइम होने वाला है। नाजपी की तबीयत खराब हो रही है, अब मुझे नहीं पता वो रोजा रखेंगे या नहीं रखेंगे। नाजपी ना बोतल लग रही है अभी अंदर। रात के 3:42 हो रहे हैं और शहरी का टाइम हो गया। मैं कुरान की तिलावत कर रही थी और माशाल्लाह से मेरे 15 पारे पूरे हो गए हैं। तो मैंने नाजपी से पूछा रोजा रखूंगी, तो नाजप कह रही है मैं रोजा रखूंगी, बस बोतल जो है वो पूरी होने वाली है। नाजपी को सिर्फ चाय और बिस्किट चाहिए, तो मैं नाजपी को चाय और बिस्किट दे देती हूँ। नाजपी और मैं कम पीऊंगी, मैंने चाय कम कर दी अभी। नहीं बुल्लू आप बच्चे की आसान की आवाज आ रही है। तो गाइस फजर की अजान हो रही है, अब हम जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए और मैं ये व्लॉग अभी तो यहीं क्लोज करती हूँ। सुबह कंटिन्यू करूँगी सोकर उठने के बाद। और याद रखना आज का पूरा व्लॉग देखना मत भूलना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। सो मिलती है सुबह में, बाय। अस्सलाम वालेकुम, सो फाइनली आज वो दिन आ गया है जिसका मुझे बहुत ज़्यादा वेट था और जो मैं आप लोगों से कल भी कह रही। आज हम लोग जो है ना मतलब बाहर गरीबों को खाना तकसीम करने के लिए जा रहे हो और ये मतलब इसका मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगी। और हम लोग खाने में चिकन बिरयानी बना रहे हैं और यहाँ पे हम लोग बहुत ढेर सारी बना रहे हैं और मैं बना रही हूँ ढेर सारी बिरयानी। मैंने कभी नहीं बनाई इतनी ढेर सारी बिरयानी और मैं आज बनाने के लिए जा रही हूँ। थोड़ी बहुत नर्वस भी हूँ क्योंकि रोज़ा है, अब पता नहीं उसमें नमक वगैरह कैसे मेंटेन होगा, बट इंशाल्लाह हो जाएगा क्योंकि अच्छे काम के लिए जब जाते हैं तो अल्लाह ताला पर वाला हमारे साथ होता है, हमारा साथ देता है। चलो शुरू करते हैं अपना काम। इतना बड़ा वाला पतीला और मैं इसमें खाना बनाऊंगी आज। तो मैं गैस जो है ना शाजी वाजी से ऑन करवा रही हूँ क्योंकि मुझे ना गैस ऑन करते हुए डर लगता है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें से ना एकदम बहुत ज्यादा वाली आग निकलती है ना। हाथों को ना मैं बहुत ही अच्छी तरीके से धो रही हूँ, तो हाइजीन की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि देखो खाना जो है वो ग्लव्स पहन के नहीं बनाया जाता, प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। इसलिए मैं बहुत ही अच्छी तरह से वॉश कर रही हूँ अपने हाथों को, वो भी डेटॉल से। Sometimes I get so mad there's no control in me, my thoughts get so bad I'm like I might grab a bat, I don't know my wrath. Aram, let's go. What the hell? गाइज इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद हमारी बिरयानी जो है रेडी हो चुकी है, बस दम हो रही है और मुझे फ्राई करनी है। फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर ना ऑयल और घी दोनों मिक्स करके गरम कर रही हूँ। चटनी भी है और ये दही भी है, तो मैंने ना दोनों को मिक्स करके बना दिया। इसको हम बनने के बाद पैकिंग करना शुरू कर देंगे और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकल जाएंगे। कम से कम ऐसे आधा घंटा हो गया मेकअप करते हुए, 5 मिनट भी नहीं हुए मुझे अभी। दिखाइए इधर को, दिखाइए, फिर भी अच्छी ना लग रही। मैंने बहुत मेहनत से बनाई है बिरयानी और पैकिंग करने का काम मैंने राजिका को दे दिया। दिख रहा है वो तो, कब आए हो, जब बन के भगोना उतर गया तब। ऐसा है कब इस से लड़के ने बिल्कुल मेहनत नहीं करी गाइस। देखो मैंने बनाया, देखो ऑपरेशन वाले ग्लव्स पहन के बैठ गए। ऑपरेशन वाले ये थोड़ी है कि तुमने बनाया, सबको पता है मैंने बनाया ना। गाइस देखो मैंने सामान ला कर दिया, राजिका ने बनाया। क्या सामान, सामान वाली कहानी। अरे ना ए, कट कट। मैंने सुहेल को सामान लाने के लिए लिस्ट बना के दी, अब मैंने उसमें लिखा था मैथ्स में लिखा था मैंने हाफ हाफ केजी आधा आधा किलो 1/2 करके जो लिखते हैं, तो सुहेल पता कितनी कितनी लेके आया, डेढ़ डेढ़ किलो। तैयारी मेरे से बाद भीड़ लग रही थी यार वहाँ पे, मैंने फोन भी करा था मैंने राजिका कितने कितने किलो है, तो खुद ने बताया था मुझे मैंने, मैंने दो बोला किलो। टमाटर 2 किलो है, बाकी डेढ़ किलो नहीं लाया था, 2-2 किलो लाया था। देखो डेढ़ भी नहीं ली, सीधा 2 किलो ली। गाइज हमारा ये जो काम है हम लोग कर रहे हैं, नाजपी वहाँ पे चटनी पैक करने का काम कर रही है। नाजपी ने मुझसे कहा था मुझे मत लेना बिल्कुल भी। कितने बहुत से कर रहे हैं, देखो भाई ने कितनी मेहनत करी है। भाई क्या कर रहा है ये पैक कर रही है, और भाई मैंने जो सुबह से बनाई है उसका क्या बनाने में कौन सा लगा था, मतलब अदरक डालो भी है डालो। हां वाह वाह, भाई डिब्बे में कौन सी मारा था तो सुन ले, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। ये कह रहे हैं कि देख कितने बहुत से करे मैंने, खाए दो ही तो ना। इफ्तारी का टाइम होने वाला है, 6 बजने वाले हैं और हम लोग जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बाहर।
और हम अपनी इफ्तारी लेकर जा रहे हैं। टाइम हो जाएगा इफ्तारी का डिस्ट्रीब्यूट करते करते, तो फिर हम लोग कैसे रोजा उतारेंगे, तो हम बाहर ही रोजा उतार लेंगे। समोसे, पकौड़ी, कचरी, खजूर, फ्रूट्स और रूअफजा और पानी। हाँ, आपका तो रोजा ही नहीं है ना, तो अभी हम ये कार में रख देंगे सामान सारा। लिफ्ट खोलो, जगह है तो बाय। सफारी गाड़ी, मुझे बिरयानी चाहिए तो निकाल लेना एक। तो मैं नहीं आ रहा, ड्यूटी लग गई है। आ रही हूँ बेटे, लिफ्ट बंद हो जाएगी, फिर ये सामान कैसे जाएगा अगर मैं आगे। तो लिफ्ट का बटन मैं दबाए हुए खड़ी हूँ कि बंद ना हो बाहर जाओ। नहीं, चलो बाहर बैठो। अब बताओ, मैं रोड पे ही चला ना, बैटरी अभी हो गई। हाथों में ग्लव्स पहन रहे हैं क्योंकि हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हुए तभी हम लोग देंगे। जी जी बिल्कुल। हमारे इफ्तारी का टाइम हो गया, कर लें क्या हम यही वाली अजान से? हमने घर से तो फोन आया नहीं अभी, तो हमें इफ्तारी का भी पता नहीं चला। जब अजान हो गई तो फिर करूंगा। सुहेल पीछे ना वो रखा है थैला, उसमें खजूर वगैरह पानी है, वो निकाल लेना। अरे भाई निकालना, इसमें से ग्लास में से ना फोन भी आ गया ना। उन्हें मौलाना को दे दो, वो दे देंगे। अब नोनू खा लो। ये लो कुछ ज्यादा है क्या इसमें? चटनी ना चटनी। उसी का गला सूख गया था। लॉलीपॉप कैसे टेस्ट है इसका? से अरे भाई ले लो, भाई ले लो, आप भी ले लो। अल्लाह का शुक्र है रोजा भी उतार लिया, और डिस्ट्रीब्यूशन में ना अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। सो गाइस, 7:30 बज गए रात के और सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मतलब सभी हिटम जैसे हम खड़े हुए सभी खत्म हो गया। अल्लाह का शुक्र है। तीन डिब्बे रोक लिए अपने लिए। मैंने एक नहीं रोका, मैंने टेस्ट भी नहीं किया है पता है, और जिसके लिए बनाई थी उन्हीं के लिए सब कुछ। और कुछ लोग अब ये सोच रहे होंगे कि हम शो ऑफ कर रहे थे, तो मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं कर रहे थे। हम शो ऑफ कर रहे थे भैया, हम ये चाहते हैं कि आप भी वो शो ऑफ करें, मतलब दिखाएं ना, मतलब दें तो कम से कम। हम दिखा के इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि क्या कहते हैं, आप भी मतलब अपने बड़े बड़े दस्तरखानों पे से उठे और गरीबों के लिए सोचे। हाँ। और हमारा जो मेन मोटिव ये था व्लॉग बनाने का और मतलब शो करने का, वो यही था कि आप लोग भी मतलब एक दूसरे से देख के हम लोग सीखते हैं, तो इसी चीज से हमें देख के कोई कुछ लोग सीखे और हमारी तरह कुछ लोग करें, तो मेन मोटिव ये था। हम लोग बिल्कुल शो नहीं कर रहे थे, बाकी तो इस्लाम में यही आया है कि एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना चले, और हम उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वीडियो में दिखा रहे हैं, हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप लोग भी इसे फॉलो करें। जैसे हम कोई वीडियो बनाते हैं तो उसके ऊपर इतनी सारी रीमेक्स, इतनी सारी वीडियोस बना लेते हैं, 1-1 मिलियन लोग, तो ऐसे ही इसे भी कॉपी करेंगे लोग। सही बात, बस गरीबों की मदद होगी इससे। हमारा मेन मोटिव था, बाकी शो ऑफ करने का कुछ नहीं था। आप लोग कमेंट में कहेंगे वो शो ऑफ कर रहे हो, मदद करनी है तो बिना वीडियो के करो, ये है वो है, तो हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं था गाइस। पहले हम लोग आ गए हैं घर और एक खाली डब्बे लेके। अच्छा कैसी बनी है बताओ? आपको एक पैकेट रोका, मैं कह रही हूँ टेस्ट करा दो, तो टेस्ट नहीं करने दे रहा। और बिरयानी बहुत टेस्टी बनी है। तो यहीं एंड करती हूँ, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज प्यार से कमेंट करना मत भूलना, और लाइक करना व्लॉग को, शेयर करना भी मत भूलना। और मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।